स्क्रीन पे देखिए, आप देख रहे हैं ये जई बोई है, उसके साथ में सरसों है। और मैं आपको ग्रामीण परिवेश का जीवन दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हरे भरे खेत और रास्ते गांव के और गांव के लोग। और देखिए, ये हमारे प्रगतिशील कृषक हैं स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं। क्या नाम है भैया? सिंह अंग्रेज सिंह जी हैं, और ये इनका खेत है सामने, देखिए ये चारे के लिए। तो अंग्रेज सिंह जी, बताइए ये कौन सी फसल है? जई है, अच्छा, जई है। चारे के लिए अच्छा, उसमें सरसों डाली हुई है। तो कितनी कटाई आप इसकी कर लेते हैं? इसकी दो कटाई हो जाती है। अच्छा, दो कटाई हो जाती है। हाँ, तो इसकी अब जैसे आज 13 जनवरी है 2023, तो कब तक कटता रहेगा? ये जितनी जल्दी इसको काट लेंगे उतनी जल्दी इसका दोबारा हरी हो जाती है। ये अच्छा पहली अच्छा चलिए। फसल जो ये पहली बार में पकने ना पाए तो हाँ, दोबारा हो जाती है ये। अच्छा। तो ये देखिए, चारे के लिए फसल बोई है, और इनका ये सामने फार्म हाउस देखिए, यहीं बना रखा है इन्होंने। और ये पूरा इधर गेहूं वगैरह सामने आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इधर देखिए ये सरसों भी काफ़ी अच्छी है। गांव के खेत हरे भरे रंग बिरंगे आपको दिख रहे होंगे। क्या है जो स्क्रीन पे दिख रहा ये है चारा आपको? है, ये भी बरसीन ये चारा है, ये क्या है? जी। अच्छा, बरसीम है। तो ये बरसीम की कटिंग कितनी बार आप कर लेते हैं? इसकी 4-5 बार हो जाती है। 4-5 बार बरसीम की कटिंग हो जाती है। अच्छा, मार्च तक ये कटेगी? रहेगी जी। अच्छा, मार्च तक कटी रहेगी। तो चारे का पूरा इंतजाम है इधर। ये गांव के देखिए घर हैं, ये इस तरीके से ग्रामीण परिवेश आप देखिए। गांव के पेड़ हैं, सड़क हैं, खेत हैं, और इधर है। तो ये बरसीम का अंग्रेज जी कितना है ये क्षेत्रफल? 4 बीघे 4 बीघे। अच्छा, जी। हाँ। तो कौन कौन से जानवर आप पाल रखे हैं? गाय भैंस, कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं? 2-3 गाय हैं, 4-5 भैंस हैं। अच्छा, तो डेयरी है अंदर, तो अच्छा देखा है कि नहीं है। अच्छा तो दूध वगैरह पर डे कितना हो जाता है? बस खाने पीने के लिए अपने भर का हो जाता है अच्छा, अपने भर को हो जी। जाता है। अब देखिए, अंग्रेज सिंह के खेत में आ गए। ये गन्ना लगा हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो अंग्रेज सिंह जी, बताइए ये कौन सा गन्ना है? ये इस साइड में 018 है, नया वाला नया वाला CO0118 है, जी जिसमें कांटे होते हैं, बैंगनी कलर होता है जिसका। जी तो ये तो आपका हो गया 18। जी और कौन कौन सी आपने प्रजातियाँ लगा रखी और हैं? 15-023 15023 किधर हैं? इसके आगे उस साइड में उधर से आगे आ जी, जाएंगे। तो उधर से देखिए, आगे अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये 18 है। इधर तूफान वगैरह जो बारिश में आया था, आपका गिरा नहीं गन्ना? गिर गया था, उसको बंधवा दिया गया था। अच्छा, अभी बंधवा हाँ, दिया गया तुरंत था। उसी दिन हाँ, और इधर देखिए ये गेहूँ आप देख रहे होंगे। पूरा जो ग्रामीण जिंदगी, ग्रामीण परिवेश हरा भरा है, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हरे हरे ये पेड़ है, देखिए इधर ये गन्ने का खेत है। और अंग्रेज सिंह जी के साथ हम चल रहे हैं, हमारे प्रगतिशील कृषक हैं ये गन्ने के। जाड़े में देखिए गेहूँ भी अच्छा होता है, क्यों अंग्रेज सिंह जी? हाँ, जितना जाड़ा होगा उतना ही गेहूँ भी अच्छा होगा। ये मलुकापुर कला है, गन्ना विकास परिषद गुलरिया के क्षेत्र में आता है। और हमारे प्रगतिशील कृषक देखिए अंग्रेज सिंह जी हैं, कई प्रजातियाँ लगाते हैं। तो अंग्रेज सिंह जी, कितनी प्रजातियाँ आपने लगा रखी हैं गन्ने की? कौन कौन सी 5-6 प्रजातियाँ हैं? हाँ, CO0118, 15023, 14201। अच्छा, 13-235, 13235, 84-36 भी लगा रखा है 84-36 भी लगा रखा है। जी। इधर देखिए ये खेत हैं, गांव के सरसों जिसमें लगी हुई है। और ये अंग्रेज सिंह जी के साथ चल रहे हैं, इधर इनका गन्ना, इधर सरसों देखिए फूल रही है। इधर खेतों में ही ये फार्म हाउस बने हुए हैं। तो ये अभी 18 ही चल रहा है, क्यों? अब यहाँ पे पूरा झाड़ है, लेकिन किनारे पे सारा अच्छा, गन्ना बंद है। किनारे पे 18 है, अंदर जो है 15023 है, CO15023। तो अच्छा, जो अभी आप कह रहे थे कि 5-6 प्रजातियां लगा रखे हैं आप, तो इनमें से सबसे अच्छी आपको कौन लगी? पंद्रह नई जीरो प्रजाति तेईस में जो, बाकी अच्छा 0118 भी अच्छा है जी, अच्छा CUL के 14201 वो कैसी भी लगी? ठीक है। हाँ, अच्छा, अगर इन तीनों प्रजातियों में कहूँ आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर दीजिए, तो किसे देंगे? पहला नंबर तो 15-023 चाहिए। अच्छा, तो चलिए अच्छी बात है, कम से कम आपने इसको पसंद किया। तो हम लोग इधर से 15-0 की तरफ पहुंच जाएंगे, आगे आगे 15-023 है उधर। निकल चलेंगे। अच्छा देखिए, अब हम लोग इधर 15-023 की तरफ चल रहे हैं। ये खेत हैं, गेहूँ पानी लगा हुआ है। तो इधर ये कौन गन्ना अभी बता रहे थे आप? हाँ, ये 15-023 है, ये हमें लगता है आपने बसंत कालीन में बोया होगा। तो ये क्या मार्च अप्रैल का बोया है क्या? हाँ, ये मार्च अप्रैल का है, अच्छा मार्च लास्ट में।
अच्छा अप्रैल का है तो उत्पादन ठीक ठाक हो जाएगा, बीज में ही जाएगा लग रहा है जी। बीज के लिए अच्छा गन्ना है क्योंकि अप्रैल लास्ट का है और काफी हाइट हाइट ले गया है अप्रैल के हिसाब से, तो ट्रेंच से ही बोया लग रहा जी, ट्रेंच से ही बोया है। अच्छा और ये अभी 15023 ही है, आगे अभी 15023 है, तो इसमें कितना उत्पादन आप समझते हो जाएगा? क्यों अंग्रेज सिंह जी, जी कितना उत्पादन हो जाएगा इसमें? कम से कम 500 के आसपास तो होना चाहिए। अच्छा 500 कुंतल अंग्रेज सिंह जी कह रहे हैं कि ये हो जाएगा प्रति एकड़ के हिसाब से, और आप कह रहे हैं कि इनको ये सी ओ 15023 प्रजाति जो है काफ़ी अच्छी लगी, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अच्छी भी है, सीधा खड़ा हुआ है, बीज वाला बेहतरीन गन्ना है। क्यों अंग्रेज सिंह जी, तो ये कितना एकड़ है ये पूरा 15023? 3 एकड़ 15023 है, तो करीब 1500 कुंतल गन्ना जरूर खड़ा आपके पास में। तो अच्छा ये जिसमें चल रही है गेहूँ आपका ही है क्या? हाँ लाइन से गेहूँ बोया हुआ है, मशीन से बोया हुआ है। अच्छा मशीन से बोया हुआ है, देखिए ये जिसके तुम चल रहे हैं और इधर भी अन्य लोगों के भी खेत आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो मैं आपको गांव का पूरा परिदृश्य है वो दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा ये तो यहाँ तक 15023 थी आपकी है जी, अब ये वाला ये 14 COL के 14201 जी। हाँ आप देखिए COL के 14201 है गन्ना, अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हाइट तो लगभग बराबर है। क्यों जी इसका उत्पादन कैसा आप अनुमानित करते हैं क्योंकि आप लगा रहे हैं? इसका भी अच्छा अनुपात है। इस प्रजाति की खास बात आपको क्या लगी 15023 की और 14201 में, क्या क्या खास बात है? वो थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, इसकी गांठ भी लंबी होती है। अच्छा 15023 की गांठ जो है लंबी होती है, मोटा भी होता है। अच्छा इसकी गांठ थोड़ी छोटी होती है। अच्छा सीओल के 14201 की जी, तो गन्ना तो काफी अच्छा है ये जी। हाँ हाँ और ये काफी एरिया लग रहा है ये कितना? अच्छा 14 कितना होगा? अच्छा तो इसका चूंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गन्ना तो अच्छा है, तो इसका कितना उत्पादन हो जाएगा? अच्छा तो 400 कुंतल एकड़ में, तो ये भी कम नहीं होगा? क्यों तो ये भी हमें लगता क्या बसंत कालीन लगाया था ये? अच्छा ये कब लगा था? तो ये करीब फरवरी में लगा होगा। अच्छा ये फरवरी में लग गया था तो गन्ना तो ये भी बीज में ही जाएगा जी। ये COL के 14201 आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा गन्ना है, तो बहुत अच्छा गन्ना आपने दिखाया भाई अंग्रेज सिंह जी। तो ये गन्ने खेत हैं देखिए, अच्छे अच्छे काफ़ी गन्ना यहाँ होता है लखीमपुर में गांव में, जब घूमिए तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बेहतरीन गन्ना है। ये बेहतरीन गन्ना स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये इधर आ जाइए। देखिए ये अब अंग्रेज सिंह का खेत देख रहे हैं, तो जो प्रजातियां ये बता रहे थे, ये गन्ना देखिए कितना अच्छा है, कौन सी गन्ना प्रजाति है? 94114। अच्छा COL के 94184 गन्ना है, और ये लखनऊ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा जो IISR है लखनऊ का, वहाँ से ये संस्तुत है और वहीं की ये गन्ना प्रजाति है, और काफ़ी बेहतरीन स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे परफॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है और गन्ने भी काफ़ी बने हुए हैं। लंबाई भी बहुत काफ़ी होता है जी, लंबाई भी बहुत है। जो हमारे कृषक भाई हैं इसको लोहे की सरिया बोलते हैं जी, हालांकि इसमें एक दिक्कत है जो पत्ती है वो चिपकती है थोड़ा जी, छीलने में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत आती बाकी ये एक ऐसी गन्ना प्रजाति है अर्ली में जो कि जिसमें कोई रोग वगैरह कीट वगैरह नहीं है जी, और खास तौर से ये जलभराव के क्षेत्रों के लिए और बेहतरीन गन्ना प्रजाति है, बहुत जलभराव वाला खेत है ये।
हाँ आप हाइट से अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये 400-500 कुंतल एकड़ से कम तो नहीं होगा जी गन्ना। जी तो मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सारी गन्ना प्रजातियाँ। तो ये देखिए अंग्रेज सिंह जी का जो सारा दिखाना चाह रहा था। और ये देखिए अब जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपको देख रहे होंगे COLK 14201 गन्ना प्रजाति है। तो अंग्रेज सिंह जी ये बताइए, ये गन्ना प्रजाति आपको कैसी लगी? COLK 14201 है। जी बढ़िया प्रजाति है, हाँ आपके अभी आप, सामने खड़ी हुई कितनी हाँ लंबाई में है? तो इसमें कितना उत्पादन आप अनुमानित कर सकते हैं? काफ़ी अच्छी प्रजाति दिख रही है। जी यही 400-500 के आसपास हाँ देख रहे हैं, ये होना चाहिए। COLK 14201 गन्ना प्रजाति है। और जो हमारे कृषक भाई कहते हैं कि इसमें खास बात, इसका वजन भी अच्छा है, जी छीलने में भी आसानी है काफ़ी, पोरी इसकी नज़दीक होती हैं, तो जी बुआई में अगर बीज थोड़ा इसका कम लगता है। और आप लोग ये भी कहते हैं कि इसमें थोड़ा नमी बनी रहनी चाहिए खेत में, तो हाइट जी अच्छी लेती है। जी तो कई प्रजातियां इनके पास में हैं, जो कि अभी आपको मैं खेत इनको दिखा रहा था पूरा। तो ये देखिए COLK 14201 है। तो मुझे लग रहा है इस खेत में चना था पिछली जी बार, जी चने थे जी विगत वर्ष में जो ये गन्ना देख रहे हैं COLK 14201, जी सफेद वाला भी, काला भी चना हाँ था, काला चना था, सफ़ेद चना था, मसूर भी इसमें थे मसूर भी था। जी। तो देखिए चने के साथ में और मसूर के साथ में सह फसली जो शरद काल में गन्ने में ली जाती हैं, गन्ने का भी उत्पादन बढ़ जाता है, वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो हमारे जो प्रगतिशील कृषक हैं वो यहाँ सह फसली शरद काल में ज़रूर लगाते हैं, क्यों अंग्रेज सिंह जी? जी तो अभी आप देख रहे हैं बेहतरीन गन्ना, मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो हमारे अच्छे अच्छे कृषक हैं प्रगतिशील, कि उनके खेतों पर कौन सी प्रजातियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। चलिए बड़ा अच्छा लगा अंग्रेज सिंह जी, आपने चारों तरफ खेत के घुमाया, और धन्यवाद।